minutes. It was observed during experiment that moving charges that when switch in electric circuit is frequently on off, then the needle of nearby compass got deflected. He observed one. It can be concluded from this historic experiment that moving charges create magnetic field, which would have interacted with magnetic field of compass and had made deflection. कल का वीडियो विषय देख लिया था। Now, what properties of magnetic field lines ये हमने कवर कर दिया। Define the substance which get attracted towards magnet
are called ferromagnetic substance. Magnet. The substance which attracts ferromagnetic substance towards itself are called magnet. Example, bar magnet. Example, epicobar. A tiny bar magnet devoted on a pin which stays in north-south direction is called magnetic compass. Imaginary field lines drawn around magnets along which the magnetic compass stays. Are called magnetic lines of forces. नई बुक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, 10 साल पुरानी में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अभी सरकार ने इसका नाम बदल दिया नाउ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. परमानेंट मैग्नेट. मैग्नेट whose magnetic strength or polarity cannot be changed is called permanent magnet. For example, bar magnet, horse shoe magnet, ring magnet. Question number 4, ये cover हो चुका है. Fifth question का A part covered है, B part. तो जब अर्थ की भी बनाएंगे तो तीन लाइन ड्रॉ कर लेना इसके अंदर, 1, 2 and 3. चूंकि नॉर्थ नीचे है तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ जाएगी, बीच वाली सीधी निकल जाएगी. तो साउथ से इंटर करती है नॉर्थ में, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. देखो दिव्या, हम कल तुम इसी पे पूछ रही थी ना, हम अर्थ के ऊपर यहाँ टेबल लगा के बैठे हैं, तो अगर यहाँ कंपास रखा जाएगा तो वो किस दिशा में ठहरेगा बताओ?
जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उधर ही तो ठहरेगा, तो वो मैं उधर जाएगा जहाँ एन आई एन लिखा है कि नहीं ऊपर, और नीचे एस लिखा है। कुछ अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। That is electric current flowing in a wire produces magnetic field around it. अगर मान लीजिए किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उससे उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। नाउ नहीं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, ये ठीक है, चलो मैग्नेटिक डायरेक्शन मान लो जैसे ये है, एक अगर लॉन्ग वायर है सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक एंड प्लेनर हू सेंटर लाइज अलोंग द वायर। करो मान लीजिए हमने कार्डबोर्ड ले लिया और ये कार्डबोर्ड किसमें से जा रहा है, इसी में से जा रहा है, ये इसके अंदर छेद है जिसमें से हमने वायर निकाल दिया, ये बहुत लंबा वायर है, ये इतना लंबा इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ये कैसा वायर है बताइए, काफी लंबा इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर। और अगर मैं इसमें यहां मैग्नेट रखूं, यहां मैग्नेट रखूं, यहां मैग्नेट रखूं चारों तरफ, तो अमन इनमें मैग्नेटिक कंपास की नीडल की डायरेक्शन क्या क्या होगी। मान लो मैं इसके ये तो इसमें से वायर निकाल दिया बीच में छेद करके, और अगर मैं इसमें रखूं तो ये ऐसे होगी, अभी वीडियो में भी दिखाएंगे यहां देख लें, तो ये ऐसे होगी, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन अराउंड इट, ये तो अगर एक ही तरफ जाती हुई होगी तो हमें मालूम है जहां रेड कलर वाली नीडल यानी नॉर्थ पोल जाता है तो वहीं पे हम इसके चारों तरफ सर्कल बना देते हैं कि नहीं बना देते, तो अगर रखेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। नाउ द सेम वायर जो कि हमने यहां ले लिया है, पहले हमने इसमें कंपास रखा फिर डॉट 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 लगाए, और डॉट लगाने के बाद फिर क्या कर देना चाहिए, ऐसे बना लो, ये ऐसे जा रही कि नहीं, देखो ऐसे, और फिर एक और जब दूर रखोगे तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो क्या ऐसा दोनों ही डायग्राम क्या आपकी बुक में बने हुए हैं,
ये देखो ऐसे, तो इस तरीके से। तो हमने क्या बताया, अगर करंट कैरिंग ये है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से ये ना। अब ये देखो ऐसा कुछ कुछ होगा कि इस तरीके से होगा करंट कैरिंग। इसका मतलब क्या है कि इफ दिस इज, ये राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, समझो इस चीज को। इफ थंब इज इन द, इफ वी ग्रेस्प द वायर बाय राइट हैंड सो दैट थंब इज डायरेक्टेड along the direction of current। हम किधर डायरेक्टेड है बोलो, तुम इस हाथ में किसे पकड़ लो, वायर को ही पकड़ लो। तो अगर आपने इस हाथ में वायर को पकड़ लिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, वायर को पकड़ लेने से ये, if we grasp the wire like this, ऐसे हाथ में वायर पकड़ लो, वायर मान लीजिए, सही है, तो क्या होगा बताइए, थंब किस डायरेक्शन में है, इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पकड़ लिया, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम चाहो तो इसी वायर को ही पकड़ लो, तो तुम्हें क्या लगता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया, तुम्हारे नेल्स की ओर आता हुआ, ये कैसा आ रहा है बताइए, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर नेल्स, समझ में आ गई बात, ऐसे ही तो आ रहा है, देखो दिस इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिसे गर्व रिपीट करके बताएं, राइट मैक्सवेल राइट थंब रूल नहीं कर रहे, चलो आप बताओ, direction of current is shown by thumb and the curved finger will show the direction of magnetic field। चलो ये मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, ओके लेट अस स्टेट इट, क्या रूल है, ओके बार मैग्नेट और अर्थ में बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स मैक्सवेल। इफ वी गैस्प, गैस्प का मतलब है पकड़ लेना, करंट कैरिंग वायर बाय राइट हैंड, तो जब पकड़ोगे तो मुट्ठी तो बंद ही करनी पड़ेगी ना, ऐसे ऐसे तो नहीं पकड़ सकते कि ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब पकड़ना ही होता है, सो बाय राइट हैंड सो दैट thumb is directed, thumb is directed in the direction of current, along current, then wrapping of finger, आप बताइए, will show, wrapping of finger will show the direction of wrapping of finger will show the direction of magnetic field। जैसे
मैंने कल आपको दिखाया था पार्टिकल डालकर, अगर आप ऐसे ही यहाँ पर एक करंट जा रही और एक कार्डबोर्ड रख लो ऐसे ना, अब इसके चारों तरफ वैसे ही पार्टिकल आयरन पार्टिकल डाल दो तो जानते हो कैसा हो जाएगा, बुक में देखो उस सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 हो जाएंगे और ठक 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 करो तो तुम्हें क्या पता चलेगा बताओ, क्या उसे पता नहीं चल जाएगा, है ना, बुक में बना हुआ ही नहीं एक डायग्राम, ऐसे आयरन पार्टिकल डाल दो एक लकड़ी पर और उसको हल्का हल्का टैप करो, बुक देखो दिखाई पड़ा, तो दिस शोस दैट, और ये जो फील्ड लाइंस है ये तुम्हें कैसी लग रही है, मान लीजिए ऐसी फील्ड लाइंस है तो क्या ये सारी एक प्लेन में है, तो ये सर्कुलर है, प्लेनर है, कंसेंट्रिक है, और इनका सेंटर कहाँ लाई करता है अर्चिता, इट इज लाइंग ऑन वायर, सर्कुलर तो है, ये देखो ऐसे पकड़ लिया और सबकी डायरेक्शन ऐसे होगी जिधर फिंगर जा रही है, तो सब में ऐसा ऐसा बना दो, इधर ऐसे करके, ठीक है, तो वॉट विल बी दैट नेचर ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, अराउंड करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज सर्कुलर, कैसी है बताइए, सर्कुलर, प्लेनर एंड ऑल सर्कल्स दीज आर कंसेंट्रिक, संकेंद्री हैं, उनका जो केंद्र है जो उनका सेंटर है वो एक ही है, तो दीज आर सर्कुलर, प्लेनर, कंसेंट्रिक एंड हूज सेंटर लाइज एट वायर, नेचर ऑफ, उत्कर्ष तुम हाथ पर हाथ बांधे बैठे हो क्या, तुम लिख रहे हो, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिखने से ही आता है, अब तुमने उसको क्या लिखा था, बहुत मजेदार लिखा था तुमने, उस इन्होंने जो है मानो कैटिनेशन को कैल्सिनेशन लिखा था और टेट्रावेलेंसी को भी बहुत मजेदार लिखा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, दोनों भी बहुत मजेदार, चलो तो न लिखने का ही परिणाम, अब कैटिनेशन को कैल्सिनेशन लिख रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज सर्कुलर, प्लेनर, प्लेन में है एंड कंसेंट्रिक, सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स लाई एट वायर, ये चीज है, अगर आपसे कहें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल तो ये है, ये लिखना, इस चीज को रिया रिपीट करना, बताओ तो। राइट हैंड तुम्हें बोला ही नहीं, इफ वी गैस दवा जैसे बुक में वही बोलना चाहिए, बोलो हम फिगर से देखें जो बुक में बना हुआ है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर. तुम 2.5 ग्राम बनाओ, 3 ग्राम बनाओ, चाहे जितने बनाओ बनाओ. अब देखो. Hello students, I have made this project to show the magnetic field around a straight current carrying conductor. अगर मैं इसको ऑन करूं, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और इस पे अगर मैं आयरन फिलिंग्स डालूं, तो यू विल सी कि एक सर्कुलर शेप इसमें आ रही है, राइट? अब एक टैपिंग. So these circular shapes you. Magnetic field can be easily observed in the place 5 or 6 magnetic compasses around the current. क्या अभी कोई field है? तो ये सारे जो compass हैं ये किधर direct हैं? North south जो earth की direction है. लेकिन अगर हम इनमें कोई current flow करा दें तो क्या हो? अभी भी नहीं कराई है. ये देखो. Hold 50 times to give it a rectangular shape. We are using. Now the side of the rectangular coil which is passing through the hole in the sheet. On tapping the sheet few times you will see that iron files arrange themselves in concentric circles with wire as the center. If we repeat the same activity, we always the small magnetic compass. So here we are moving clockwise. You will observe that the tip of the north pole follows a circular path as we move the compass around the wire. This suggests that magnetic field lines are concentric circles around the current carrying wire. The direction of magnetic field lines is clockwise as shown by the compass needle. The direction of magnetic field around the current carrying straight wire can also be determined by using right-hand thumb rule. Right-hand thumb rule. Imagine you are holding the current carrying wire in your right hand, such that thumb points towards the direction of electric current. Easily observe if the place a circular shape. ये देखो. अब तुम्हें क्या पता चल रहा है? है ना चारों तरफ वैसे ही. अगर बहुत सारे कंपास एक साथ खरीद लो और कंपास इसके चारों तरफ रख दो तो तुमको लगेगा वैसा ही गोला बन रहा है. तो अब इससे तुम्हें देखने से क्या पता चलता है कि करंट ऊपर की ओर आ रही है कि नीचे की ओर? देखो, एक होता ऐसे है, तो क्या ऐसे है? ऐसे है कि नहीं है? नहीं है ना. तो क्या ऐसे है? ये देखो, एरो देखो ना नीडल का, तो फिर अंदर की ओर है. बोलो बात सही है? अपने हाथ से करके देखा करो, सारे नियम करो. देखो ऐसे करो तुम, हम देखो तुम आधी तरफ बैठे हैं और बगल वाले के सर पे ऐसे रख के ऐसे. समझ में नहीं आई? तुम गलत कर रही हो. उधर रखो आप, सीखना है भाई. अंदर की ओर जा रही है आपका भी. ठीक रखो. कैसे पकड़ लो? ऐसे कैसे पकड़ लो? वो देखो जो वहां दिख रहा है, किधर जा रहा है? ऐसे करो. अरे उधर उधर देखो ना, चित्र देखो उधर, वीडियो जैसे जहां जहां पिन जा रही है. सही है? जब भी कंसाइड करोगे तभी आएगा. उधर देखो ना, उधर देखो, उधर
ऐसा दिख रहा है शिव शर्मा, समझ नहीं रहा तो इधर थंब इसका मतलब है कि किधर जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, सही है? तनिष समझ में आया, करके दिखाओ करी करी। अरे इनका तो नीचे चला है। ऐसे नीचे जो है देखो टीवी में करो करो ना, ये देखो ये जब ऐसे जा रहा है तो अंदर क्यों रहा, थंब तो अंदर जा रहा है, ये दीवार में अगर तुम दीवार में थंब का टक्कर मारो तो दीवार के अंदर थंब चला जाए, ये टीवी है, समझ आई बात की नहीं? करो दृश्य तो तुम्हें अभी जहाँ फिंगर है उसकी डायरेक्शन तुम्हें पता चल रही कंपास की, देखो मिला दिखाओ करो इधर का दिखाओ, सही है चलिए ये ठीक है, आप भी करो बेटा सही है, इतना पता चल गया। अब ये देखो जैसे ही इसमें से ये करंट हटा देगा ये सारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, ये चीज आप देखिए, ये देखो इससे क्या पता चल रहा है, अभी भी वैसे ही है, अभी चारों तरफ है। Place the magnetic compass close to the wire and pass the electric current through the copper coil. The compass needle immediately deflect to one side. Here, in our case, देखो, that is magnetic field around straight wire. तो हम इसको इमेज से समझें। इमेज से तुमको पता चल जाएगा कि बहुत सारे कंपास अगर रखे हों तो वो कैसे बिहेव करेगा। डायग्राम है बहुत सारे, ये इस तरीके का डायग्राम है, ये देखो ये दिख रहा है, अगर चार कंपास रख दोगे तो कैसे बिहेव करेगा, इसमें भी तुम अपने फिंगर से देख सकते हो, क्या वही है, रखो थंब ऊपर, तो थंब अगर इसमें आपने ऊपर दिया तो इससे क्या पता चल रहा है, ये देखो दैट इज ये वाला, अभी इससे क्या पता चल रहा है बताओ मृत्युंजय, तुम बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे, इस वाले नीचे, ये तेज है, तुम भी बताओ, तुम भी तेज हो, अरे नीचे जा रहा है ना, तुम बताओ इस वाले करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है, अगर एक एरो ऐसा होगा और इसमें ये समझो ये तीर है, तो तीर इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से एरो निकले रहते हैं, ऐसा होता है, तो जो इधर से देखेगा उसको ये लगेगा आता हुआ तीर, और जो इधर से देखेगा जाता हुआ तीर, उसको लगेगा जाता हुआ तीर, तो कभी भी अगर तुम्हारी ओर तीर आ रहा है तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, और जा रहा है तुमसे दूर तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मान लीजिए हमने हमारा एक पोल से तार बंधा हुआ है और ये दैट इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बुक का ही क्वेश्चन है, तो ऐसी स्थिति में अमन आप बताइए इसके ऊपर की फील्ड कैसी होगी और नीचे की कैसी होगी, ऊपर की जो होगी क्या ऊपर आती हुई होगी ऊपर जाती हुई होगी, नीचे जा रही होगी, अगर मतलब ऐसे हाथ रखा हुआ है तो ऊपर आती हुई है क्या, और ये नीचे की ओर जाती हुई, नीचे की ओर चली जाएगी, देखो जा रही ऊपर से आ रही और नीचे की ओर जा रही, जाता हुआ तीर कैसा लगता है, ये जाता हुआ तीर, बोलो बात समझ आई, देख लो ऊपर से
आता हुआ तीर इस फिगर बना लो फिगर को ये ना सोचो कि हम सबसे तेज हैं हम तो तीरंदाज हैं ऐसा सोचते हो उत्कर्ष तुम कि हम तोप हैं कहीं कोई तोप नहीं है जब बोर्ड का वो पेपर मिलता है तो सब लोग रिवॉल्वर बन जाते हैं अब जरा देखो नाउ दिस इज घोड़ा बनाने में बैठे तो हो ही सही है सो क्या लिखेंगे क्वेश्चन है इफ करंट कैरिंग वायर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड करंट फ्लोस फ्रॉम west to east then show direction of magnetic field above and below wire तो इसका आंसर है कि above wire मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ पेपर जो हमने पेपर इसको पेपर माना जाएगा कमिंग आउट ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट वाइल बिलो वायर इट इज गोइंग इन साइड पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट एंड इट इज एज पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इज कमिंग आउट ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट पेपर वाइल कोई भी चीज ना समझ में आए तो पूछ लो मैं बता दूंगा क्योंकि आगे फिर हमें दिक्कत होगी अभी शुरू शुरू में ना हर लिंक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नहीं आ रहा है समझ में तो देख लो इसको पकड़ लो वायर को तो पकड़ो तो इधर की ओर तुमने थम रखा ऊपर से आ रहा है और फिर अगर इधर करो तो नीचे की ओर देखो है कि नहीं ऊपर से आ रहा है इसी को घुमा लो वायर तो उधर ही है हाथ भी वहीं इसको तो घुमा ही सकते हैं तो नीचे जा रहा है ऊपर से आ रहा है सही है वायर बिलो पेपर बिलो वायर क्या होगा बोलो फील्ड इज गोइंग इनसाइड पेपर एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पेपर के परपेंडिकुलर कोई भी चीज अगर वायर है सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का वायर हो ये चीज तो तुम्हें अगर मैं सर्कल बना के दिखाऊं कह दो हमने सेमी सर्कल बना दिया तो सेमी सर्कल बनाने में ये तो पेपर से परपेंडिकुलर ही है पेपर पे देखो ना और फिर आधा पीछे भी होगा यहाँ तो परपेंडिकुलर है मैं तो ऐसे जा रहे है तो सर्कल ना बहुत सारे सर्कल ठीक है एंड परपेंडिकुलर टू इट अब ये जो अर्चिता कह रही है इस चीज को हम लोग समझे वास्तव में क्या कहना चाह रही है इनका कहने का मतलब है कि सर अगर हम बहुत सारे कार्डबोर्ड इसके ऊपर प्लेस कर दें तो क्या इसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे तो हाँ एक दो ही नहीं होंगे हर पॉइंट पर उसके हर पॉइंट एक कंसेंट्रिक सर्कल होगा ना ये देखो हर पॉइंट कैसा होगा संकेंद्रीय वृत्त होगा ये बात तुम्हें समझ में आ गई क्या ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बना है या नमन आपके रिफ्रेशर में बना है सही है तुम्हें समझ में आ गया हर पॉइंट पर ऐसे सर्कल्स होंगे तो वही चीज तो यहां पर बनाई गई है ये देखो इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसे सर्कल बनाया और जो पीछे वाला उसे डॉटेड और एक ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला कैसे
ये ऐसे और नीचे डॉटेड ऐसे बना लो सारे सर्कल्स, सो इट विल मेक ऊपर वाले को थोड़ा बोल्ड बना लो और नीचे वाले को डॉटेड में, तो पता चल रहा है, और थंब को ऐसे रख लो तो क्या वही चीज नहीं आ रही? देखो, सो इट विल बी एक्सप्लिसिट फ्रॉम द डायग्राम, यही बात है, क्लियर है? अब है तो वही सर्कल, जो वो चीज है वही तो ये है, या ऐसा समझ लो कि जो ऐसे जा रही है तो ये सारी कैसे होंगी, ऐसे भी रख के देख सकते हो, बिल्कुल वही चीज है बदला, ऐसे रखो आप, तो इधर से आती इधर से आती है सर्कुलर ही, चलो आगे की बात करें। Now, that is कुछ कॉमन डेफिनेशन, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इफ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू वायर then that end of magnet which rests towards north, जो geographic north की ओर जाए उसे क्या कहेंगे? It is called north pole and other pole is called south. उसे धागे में लटका दो, कोई भी magnet हाथ मिलो धागे में लटका दो और ना लटका सको, south होगा अंदर फिर नहीं होगा, south north तरफ जाएगा। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ में ये चीज क्या है, दिस इज साउथ और दिस इज नॉर्थ, ये अर्थ का नॉर्थ है, इतनी बात तुम्हें कल समझ आ गई थी, और अर्थ के ऊपर एक ये अर्थ के ऊपर ही तो तुम हो, और यहाँ धागे से कंपास लटकाओ, ये दैट इज मैग्नेटिक कंपास ना हो तो एक छड़ चुंबक दैट इज बाहर मैग्नेट को लटका दो, तो अब बोलो इसका इधर कौन सा एंड आएगा? नॉर्थ, क्योंकि इधर साउथ है ना, नॉर्थ को अर्थ के नॉर्थ को ज्योग्राफिक नॉर्थ को तुम साउथ ही मानो तो वो साउथ है, तो क्यों नहीं नॉर्थ उधर जाए, कल करके दिखा था कि नहीं, ऐसे तुम ऐसे कर लो, नहीं तो उल्टी कटोरी रख लो और उल्टी कटोरी के ऊपर मैग्नेट रख दो तो कटोरी पानी में घूम जाएगी, तो जो चीज ऐसा डायग्राम होता है कि नहीं, उल्टी कटोरी के ऊपर मैग्नेट रख दो तो फ्रीली घूम सकती ना, पानी में रखोगे तो डूबेगी नहीं, कटोरी रख दो लकड़ी रख दो पानी के ऊपर उसके ऊपर मैग्नेट रख दो तो घूम कर जो एंड हमारे नॉर्थ हो कि भाई जिधर ध्रुव तारा रहता है उस तरफ आए नॉर्थ पोल, बस समझ लेना कि सो दैट एंड ऑफ मैग्नेट इफ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू ए वायर देन दैट पोल ऑफ मैग्नेट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। इफ अ मैग्नेट is freely suspended through thread ले लो, wire की जरूरत नहीं है, thread लो, then the end of magnet which stays जो कहां stay करें along geographic north is called north pole। ये तो कल करके भी दिखाते, ये चीज तुमको समझ में आ गई, खुद कर सीधे समझ आ गई ना, ऐसे टांग लो धागे में बीच से बांध के, ऐसे बांध लो इसको, सही है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब द एंड व्हिच स्टेज अलोंग साउथ पोल, जो साउथ हो वो साउथ पोल कहलाए, जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ हो भौगोलिक दक्षिण की ओर हो वही दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, एंड विच स्टेज अलोंग साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक साउथ भी लिख सकते हो, अलोंग ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल।
रोशनी इन कंपास और बार मैग्नेट नॉर्थ पोल इज पेंटेड रेड व्हाइट साउथ पोल इज पेंटेड व्हाइट. समझ में आया? अगर कहीं पर ऐसा बना हुआ तो नॉर्थ पोल रेड करेंगे, साउथ पोल भी एक छोटी सी पिन देखी थी कि नहीं. मोस्टली बार मैग्नेट नॉर्थ पोल इज painted red while south pole is painted. Bar magnet से दिव्या तुम क्या समझती हो? छड़ चुंबक को परिभाषित करो. A rectangular piece of magnet in which one end is north pole and other end is south pole. It is called bar magnet. Okay. तो सर रिंग वाली जो मैग्नेट होती है उसमें साउथ नॉर्थ कैसे पता? जिनका बता रहा है सभी पता. क्यूबॉइड एंड शेप होगा. हाँ. क्यूबॉइड एंड शेप होगा. सही कह रहे हो. पर डेफिनेशन किसने बनाई है? ये जिसने भी बनाई है वो रेक्टेंगुलर ही लिख रहा है हर जगह. तुमने क्या करो? क्यूबॉइडल शेप है, क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर ही लिखना पड़ेगा आपको. जब तुम महान बन जाना तो इसे क्यूबॉइडल कर देना. नो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, ठीक है, मैग्नेट हूज वन एंड इज नॉर्थ एंड अदर इज एंड इज साउथ पोल इज कॉल्ड बार. पीस ऑफ मैग्नेट हूज वन एंड इज North pole and end is south pole is called bar magnet. आगे की चीज देखें. जो रिंग मैग्नेट्स होते हैं उनमें भी नॉर्थ साउथ होता है. कभी आपने दो रिंग मैग्नेट को आपस में रिपेल होते हुए देखा है? रिंग मैग्नेट में भी वे रिपेल करते हैं. इसलिए ये लो, इसको आपस में पिन करो, ये रिपेल किधर से हो रहा है और अट्रैक्ट किधर से हो रहा है. पीछे भी देखते आगे का काम देखेंगे. तीनों टाइप के मैग्नेट दे दो, पीछे पीछे भी दे दो, तुमको पता चल जाएगा. Next is draw magnetic field lines around horseshoe magnet. So horseshoe magnet. It is U-shaped magnet. बात नहीं करो. It is U-shaped magnet. Having two poles. तो horseshoe magnet ऐसा होगा जिसमें दो पोल होंगे. ऐसा होगा क्या? अभी जो साथ लोगों के हाथ में भी होगा. इसमें एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड साउथ होगा. नॉर्थ से
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और किधर जाएंगी? ऐसे ये चीज। अब यहां से निकल रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज होती हैं, आप तो इसके टर्मिनल्स बना रहे हो, इट इज इलीगल, ऐसा कह सकते हो ना, इलीगल नहीं है। ये चीज यहां से अंदर जाएगी, फिर ये यहां यहां जाएगी और फिर किधर चली जाएगी? सही है। तो अंदर अंदर हर एक फील्ड लाइन कैसे चलेगी? यहां आएगी तो कैसे चलेगी? ओके, तो अंदर की आप हमें इतना इश्यू नहीं है, बाहर बाहर का बनाओ। दिस इज द हॉट शू मैग्नेट। ओके, इसके अलावा देखो नॉर्थ से रेज इसकी जो फील्ड लाइन है वो निकलेंगी ही, ये निकल रही। ओके, ये देखो ये फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। ऐसे बना लो, कभी आएगा दो नंबर का डायग्राम तो ऐसे बना, गलत नहीं कर, क्योंकि हॉर्स को मैग्नेट भी तुम्हारे में। ओके, आगे देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखो डायग्राम देखो और उसको समझो इस चीज को, कैसे बनाया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड हॉर्स शू मैग्नेट। देखिए इसी तरीके से नॉर्थ से निकल रही है और साउथ को जा रही। ओके, चलिए दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट आप लोगों में से किसके पास है? लाओ, और सुने इसका देखो कुछ भी करने पे वैसा ही डायग्राम बन जाएगा, बस ऐसे ही सही है। ये देखो कुछ भी इधर उधर कर लो, फिर रखने से वही चीज हो जा रही है। इतनी बात हो गई चिपक नहीं रहा सर।
दूर दूर का ओके राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने देख लिया एग्जांपल 13.1 देखो 12.1 होगा एग्जांपल 12.1 है क्या दिया है It is given a current through a horizontal power line east to west है इनके में east to west है हमारे में क्या थी west to east तो अगर मान लीजिए इसे east लिया जाए और इसे west लिया जाए और इसमें horizontal power line है तो अब हमें पता करना है अब आप अपना right hand दिखाओ शिव शर्मा इसको कैसे करोगे तो thumb उधर रखो अब इससे क्या ऊपर का बताओ कैसा होगा अभी बताने दो पता चले ना तो हमें पता चल जाएगा कि आ गया ऊपर कैसा होगा इस वाई के ऊपर बताइए नहीं रहे आप बोलो उत्तर ऊपर की ओर कैसी होगी सर मतलब ऊपर से नीचे जाए पहले पेन रखो दैट इज अब बताओ हाँ ऊपर इस वायर के ऊपर फील्ड लाइंस कैसी होगी इस वायर के ऊपर नीचे सुपर अमन बताओ दैट इज ऊपर में इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड ऊपर में कैसी होगी ऊपर की ओर कैसे होगा तो आप अपना थंब रख लो और थंब रखने के बाद ऐसे कर लो तो इससे क्या पता चलना है नीचे की ओर आती हुई और ऊपर की ओर जाती पहले ऐसे पकड़ के ऐसे कर लो ऊपर जाती और नीचे से पेनी पकड़ कर लो पेन के ऊपर से जा रही और नीचे से बोलो इतनी बात समझ आई ये मयंक समझ में आया आपको पेन के ऊपर से जा रही और नीचे से आ रही सही सो दैट इट इज ईस्ट टू वेस्ट इसे कैसे लिखेंगे अबव वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड पेपर वाइल बिलो वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द पेपर अबव वायर फील्ड लाइंस आर Going inside paper, ये अंदर की ओर जा रही हैं, या pointed inward and below the wire, it is east to west. इसका आंसर देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है हैंड व्यूड फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज ये चीज अभी हम बता दे रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा है ना तुम्हारी बुक में चलो एंड बिलो वायर इट इज बात ना करिए इसे नोट करो जो नहीं लिख रहे वही बात करो उनके पास बात करने का समय है इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर इसमें क्या इनकम्प्लीट रह गया उत्कर्ष बोलो परपेंडिकुलर एंड इट इज एज पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इट इज एज पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड अब जैसा है फिंगर ऐसे करो और करने के बाद आप इसका डायग्राम देख लें तो कैसा पता चलता है दैट इज करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो हम अपने हाथ को भी ऐसे कर लें हाथ कर लोगे तो तुम्हें पता चली जाएगा ऐसे करना है तो हाथ का ऐसा ही डायग्राम भी बना लो ये फिंगर है
फिंगर तो पीछे दिखेंगी लेकिन इधर का हिस्सा दिखेगा, और यहाँ पर यहाँ से ये इससे ऐसे दिखा लो कि ये अंगूठा नीचे है और ये दिस इज ऐसे, तो ये बन गया। ओके, अब यहाँ पर ये कर लो, ये इस उंगली को सिर्फ दिखाओ कि ये उंगली यहाँ पर दिख रही है, ये एक ही तो दिखेगी अगर ज्यादा देखना है तो, ये वाली दिखेगी कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपको करना है अदरवाइज ये देखो, इससे क्या पता चल रहा है, ये जो ऊपर की ओर आता हुआ वायर है और ये जो पीछे इसे डैश बना दो, इससे पता चलता है कि ऊपर की चीज बड़ी दिखती है कि नहीं वायर के ऊपर हिस्से में, तो यहां से आने वाली में कैसा दिखेगा आपको, दैट इज सर्कुलर, सब सर्कुलर सर्कुलर बनाओ, तो सर्कुलर में हम क्या देखेंगे कि इफ इट इज यहां से देखा जाए, देखो ये ऐसा है, अब मैं यहां से देख रहा हूं इधर से, ओके यहां से मैं देख रहा हूं, ये देखो यही वायर है, अब मैं किधर से देखूं बोलो, वेस्ट से, और ये क्या है, फिर से देखो, ये मैंने ऐसे कर लिया और मैं अब आपकी तरफ किधर से देख रहा हूं, वेस्ट से, वेस्ट से देखो बोलो, ये तुम्हें क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से मैंने ऐसे कर लिया, उधर ही तो जा रहा है, हाँ, अब इफ इट इज व्यूड फ्रॉम वेस्ट ऐसे जा रहा है, देखो वेस्ट से देखो कैसा लग रहा है, वेस्ट है कि नहीं, तो कैसा लग रहा है, घड़ी ऐसे चलती है, नहीं चलती ना, और अगर मैं ऐसे करूं और मैं कहूं नहीं अब इधर से देखो ईस्ट से, तब कैसा लग रहा है, सो इफ इट इज व्यूड फ्रॉम दिस एंड इट लुक्स एज, खुद करके देख लो ऐसे है, तो एक बार इधर से देखो पीछे की तरफ से, तो पीछे से कैसा लग रहा है, और आगे से देखो अब सही है, ये लाइन तुम लोगों की बुक में लिखी है, इसे नोट करो, इफ इट इज, चलो इफ फील्ड लाइंस आर, और स्पष्ट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए इसमें कार्डबोर्ड लगाओ, तो अब कार्डबोर्ड में जब ये चीज है ये बना लो, तो तुमको ज्यादा सही समझ में आ जाएगा, कार्डबोर्ड के इधर से आ रही बीच से लाइन, तो अब मुझे बताओ ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, देखो ऐसे ही होगा कि नहीं, फिंगर से आप ऐसे करके देख लो, तो इधर से देखने में क्या लग रहा है तुम्हें, ये क्लॉक वाइज है कि उल्टा, एंटी क्लॉक वाइज है, सो इफ फील्ड लाइंस फ्रॉम वेस्ट इट लुक्स, दैट इज अगर यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंड इफ व्यूड फ्रॉम ईस्ट इट इज क्लॉकवाइज, ये आंसर भी लिख सकते हो, ये अच्छा आंसर है जो बुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फोर्स, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी बातें, दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड को अमन डिफाइन करिए, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, लाइंस की बात नहीं कर रहा, फील्ड को, द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखने पर वो अट्रैक्ट हो जाए, उस एरिया को क्या कहते हैं, भाई कोई भी चीज है अर्थ में ही देख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, मैंगो रखो गिर जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां तक रखो गिर जाए अर्थ की ओर तो वहां तक फील्ड नहीं है, द रीजन अराउंड अर्थ इन विच सम मास या ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ, उस रीजन को कहोगे कि वहां तक भाई अर्थ की फील्ड है,
सोलर फील्ड जहाँ सारे प्लैनेट अट्रैक्ट हो जाए उस रीजन में वो सोलर फील्ड हुई। इसी तरह से मैग्नेट की फील्ड क्या हुई, द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक। ठीक है, देखो द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्शन फोर्स, उसको अट्रैक्शन फोर्स लगे इस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसे उसका चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अर्थ, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत वीक है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है। दीज कम्स आउट फ्रॉम, कहां से निकलती हैं, ज्योग्राफिक साउथ पोल। ये किससे निकलती हैं, क्योंकि साउथ पे ही तो इसका एक काल्पनिक नॉर्थ माना जाता है। इट इज इमेजिनरी, इट इज नॉट, तुमको मालूम है अर्थ पूरा निगेटिवली चार्ज है, घूम रहा है। अर्थ के घूमने की वजह से माना जा सकता है करंट घूम रही है। निगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है तो पॉजिटिव ऐसे घूम रहा है, और ऐसे अगर पॉजिटिव घूमेगा तो फिर अर्थ ऐसे घूम रही, निगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, निगेटिव ऐसे घूम रहा तो पॉजिटिव ऐसे घूम रहा है, अगर पॉजिटिव ऐसे घूम रहा है पकड़ लो राइट हैंड से नॉर्थ नीचे लॉक कर दो। फिर से बताए आगे, तो इस तरीके से इसको साउथ है इसको नॉर्थ, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? इट एमिनेट्स, इट कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सिंक, सिंक कहाँ होती हैं, टू साउथ पोल। इनसाइड अर्थ इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इसके डिस्टेंस बना लो जैसे बचपन हम लोग खेल करते थे कि कोई लाइन किसी को टच करी तो तुम्हारी बारी गई, वही खेल करो, कोई लाइन किसी को टच नहीं करनी चाहिए, सही है। These lines should be away from it. Magnetic field lines in earth कैसी है? It comes out from geographic south and enters into geographic north. It comes out from geographic south. और कैसे इंटर करती हैं? And enters into. ये बात तुमको समझ में आ गई है कि ये देखो बुक में बना हुआ है, इसी को हम आपको दिखा देते हैं। चलो नाउ सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है लेकिन इधर मैग्नेट का साउथ है, ये बात दिख रही, ये देखो जिधर नॉर्थ पोल उधर साउथ दिख रहा है, और इसी को और देखो दूसरी तरफ नॉर्थ किधर दिख रहा है, देखो जिधर साउथ है उधर नॉर्थ। एस चांद की बुक में, सभी बुक में भी है जो रिफ्लेक्शन है, तुम संजीव की देख लो जो नमन ने उसमें भी यही दिया, सही है ओके। तो ये बात तुमको समझ में आ गई, ड्रॉ करना हुआ और क्या लिखेंगे बताओ, कम्स आउट फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ एंड एंटर्स इनटू ज्योग्राफिक नॉर्थ। इट इज सो बिकॉज अर्थ बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, ठीक है, हूज नॉर्थ एंड
नॉर्थ पोल लाइज टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ एंड साउथ पोल लाइज टूवर्ड्स ज्योग्राफिक, इतना पूरा लिखना है। चलो एंड एंटर्स इनटू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ऐसा इसलिए भी है कि ये जिधर जा रही है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड तुम ड्रॉ कैसे करते हो कंपास से, तो कंपास की नीडल किधर ठहरती है बताओ, ऊपर जा रही तो इसे ऊपर ही तो जाना चाहिए और नॉर्थ में डूब जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कंपास की जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ की वही हम फील्ड लाइन मानेंगे। तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइन वहां जाके अंदर प्रवेश कर जाती होंगी, जो जहां प्रवेश करती हो तो साउथ पोल होता है बात की नहीं। इसलिए इट इज सो बिकॉज अर्थ कैसी है इज नेगेटिवली चार्ज, या चार्ज भी लिख देंगे तो चलेगा, इट इज चार्ज एंड बाई रोटेशन, रोटेशन की वजह से क्या होगा, इट बिहेव एज बार मैग्नेट। जो ये बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है बोलो अमन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस बार मैग्नेट, ये ठीक कर रहे हैं, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसकी डायरेक्शन कौन सी बताइए, जिधर एक्सिस होगा उधर ही तो उसकी डायरेक्शन होगी एक्सिस पर। एंड आगे की बात देखें, टेम्परेचर नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक, अगले टॉपिक पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब एक सर्कुलर लूप का देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर लूप, जो आपका स्टैंडर्ड लॉ है वो मैक्सवेल्स राइट एट थंब रूल है, इसी से सब रूल निकलते हैं, ये तुम्हें पता है, तुम्हें किसी रूल की जरूरत इसके लिए भी वही लगाते हैं। देखो मान लीजिए एक ऐसा सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वायर के लिए आप इसे किसी प्लैंक पर या कार्डबोर्ड पर एक वायर बना दो, दो होल करके, तो आधा ऊपर रहेगा और आधा वायर नीचे जाएगा, नीचे जाने दो, नीचे जाने के बाद इसको एक सर्किट में सेल के माध्यम से लगा दीजिए, एक की लगा दीजिए ऐसा करो, रजिस्टर भी लगा दीजिए क्योंकि सिर्फ वायर लगाना ठीक नहीं होगा, बड़ा रजिस्टर लगा ऐसा कर, इनफाइनाइट करंट। अब देखो ये यहाँ पर गया तो ये करंट ऐसी जा रही है, और ये क्या इधर से जाएगी, देखो पॉजिटिव से निकली और कहाँ चली गई, बोलो नैतिक इतना समझ में तुम्हें आया। अब हमें इसमें ये पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन है, तो सिर्फ तुमको राइट हैंड अपनी पॉकेट से निकाल लेना होगा और इसके बाद यहाँ लगा देना होगा, जरा देखो, तो यहाँ तुम अगर रखोगे तो इधर से कैसी आ रही, आती इधर जाएगी, इसके चारों तरफ एक चक्कर बनेगा, कैसा सर्कल बनेगा बताओ, ऐसा ऐसा। अब देखो तो बताओ उत्कर्ष, मैं इधर बनाऊं कि उधर, तो मुझे किधर, इस पे कहां बनानी चाहिए, सड़क की तरफ कि इधर इनकी ओर, कंप्यूटर वाले सड़क की तरफ, सही है, इनको समझ में आ गया, सही है, सही बता रहे, देखो इनके बोलते ही पटाखे छूटे, इसका मतलब है जस्ट मन गया। अब ये देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ऐसे रखा हाथ रख के देख लो, पता चल रहा है ना, उधर देखो कि ये इस वाले में अब अंदर जा रही ताशी, जरा फिर अब हाथ को अंदर करो, अब यहां पर
यहाँ भी मैंने ऐसे बनाया, तो ताशी अब तुम्ही को बताना होगा, तुम्ही पढ़ी लिखी हो ना, इधर ये देखो, इस पे लॉक कर लो, ये बताओ लॉक कर लिया, किधर मुझे बनाना चाहिए इस पे, कंप्यूटर वाले सर की ओर की सड़क की तरफ बना दे, ये ऐसे सही है, ये सब मैक्सवेल की राइट हैंड रूल से हुआ है। अच्छा अब इसमें हम और बड़ी बड़ी बनाएं, अगर जरूरी नहीं कि लूप पूरा होना चाहिए, जहां छूट जाए वहां लूप छोड़ दो, ऐसा कोई वो नहीं है, तो इधर कैसा होगा, ये हुआ, अब इसमें भी ऐसे बना रहे, सिमेट्रिक हो, छूट जाए तो छोड़ दो, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ये देखो ऐसे हो गया, एक और बनाओ, तो अब ये ऐसे आ गया, बनाने का नहीं है, इट इज आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, समझ आई बात, तो जितना आप कर सको उतना रिप्रेजेंट करो, उसमें 5% का फर्क पड़ जाता है, जितना तुम्हें बनाना है बना लो। ये देखो इसका मतलब क्या है, ये आती हुई और ये, तो ये है इसी तरीके से सारी लाइन यहां से, अब तुम इसे एक लूप समझो, फिर से समझो, ये देखो नाउ दिस इज ए लूप, ये लूप हो गया, ये पूरा लूप हो गया, अब इस लूप में आधा लूप ऊपर है आधा नीचे है, तो यहां से ऐसे ऐसे जा रही कि नहीं, ऐसे देखो सारी ऐसे मैंने इसको रख दिया, देन व्हाट इज, और बड़ा दे देते, तो सारा इसमें से कैसा जा रहा है बोलो, यहां से निकल कैसे जा रहा, अगर आप देखें तो करंट ऊपर जाती हुई, तो क्या यहां से ऐसे जा रही, और ऊपर ऊपर भी जाहित हो रही, ऐसे जा रही क्या, ऐसे जाएंगे तो जाती जाएगी, यहां तक आ जाओ, देखो नीचे है यहाँ फिर भी अंदर ही जा रही, कैसे जा रही, अगर सारी रेज इस सर्कल में उधर से अंदर आ रही है, तो जिस एंड से फील्ड लाइन अंदर आती है उसे तुम नॉर्थ पोल कहते हो कि साउथ पोल, ये साउथ पोल, इधर वाला साउथ पोल, और अगर इधर से अंदर जा रही है तो क्या उधर से निकल रही है, तो जहां से निकलेंगी चारों तरफ से वो क्या हो जाएगा भाई, उधर से यहां से तो गई ना, जाने को क्या कहोगे बोलो, इफ इट इज व्यूड आउट ऑफ पेपर, यहां से देखो तो क्या होगा बोलो, इट इज, ये क्या हो जाएगा, ये एंड कहलाएगा साउथ, क्योंकि सारी फील्ड अंदर जा रही है उनको, चूंकि यहां से जा रही तो निकलने वाला एंड क्या होता है, नॉट, तो नॉट हो गया, बात समझ आई कि इट इज साउथ एंड दिस इज नॉट, ओके, इस चीज को समझे हम लोग कि दैट इज मेरा कहने का मतलब है, हाथ वही काम अलग, चले चेक करो, ये हाथ है, ये तुम्हारा, अब इस बार ये हो जाए करंट, पहले ये करंट थी ना, पहले सीधी करंट थी, अब सर्कुलर करंट, इसे करंट लो, लो जरा वही राइट है, तो जिधर था मैं वो नॉर्थ पोल, करो जरा ऐसे नहीं, ऐसे लो प्लेन ऑफ पेपर, देखो कैसे तुम सही दे रहे थे, दैट इज ऐसे लो, ऐसे लो, सभी लोग करके दिखाओ, अभी अगले नियम की ओर हम बढ़ रहे हैं, अब इस बार दैट इज रैपिंग ऑफ फिंगर इज नाउ करंट, उल्टा काम कर दिया, इफ रैपिंग ऑफ फिंगर इज करंट देन द थंब इज नॉट, सही है, करके दिखाओ, जैसे रैपिंग तो तुम्हारी ठीक नहीं, वैसे करो जैसे, ऐसे तभी तो तुम समझ पाओगे, बिल्कुल ऐसे कर लो, हाँ देखो हम तुम्हारी तरह बैठे, ऐसे करो ना, सही है, ऐसे रैपिंग की तरफ, नेल की तरफ जाए, रैपिंग इस करंट, ऐसे दिखाओ, सही है, समझ आया, थोड़ा और उधर हाथ करो सीधा, सही है, करिए, समझ नहीं बात, If wrapping, ये
दिस इज करंट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये ऊपर क्या लिखा है, करंट कैरिंग, इफ रैपिंग इज करंट देन दिस इज नॉट, ओके करिए, तो ऐसी बात हो गई, करो देखो ये जैसा नहीं है, ऐसा ही तो ये है, अंदर क्यों नॉट, उधर क्यों नॉट है, रैपिंग है ये, अंदर नॉट जा रहा है, अब देखो अब तुम लोग ये समझ गए हो कि रैपिंग से हम क्या बना सकते हैं, तो नाउ वी हैव स्विच्ड ओवर टू सोलेनोइड, इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई, मैं अब एक नहीं लूंगा, देयर आर वेरियस सर्कुलर लूप, ये देखो एक लिया और जो पीछे जाने वाला वायर है ना उसको ऐसे बना दिया, और आगे आने वाले को गोल्ड, पीछे जाने वाले को ये देखो, और इसको ऐसे कर दो, समझ आया, ये देखो तुम्हें पता चल रहा है ना, जो आगे वाले हैं वो बोल्ड लाइन और जो पीछे जा रहे हैं वो हल्के हल्के दिख रहे हैं, अगर इसको ऐसे करने जैसे हमने कल कॉपर का दिखाया था वही चीज है, ये बताओ अगर मैंने इसमें करंट ऐसे कर दी तो ये करंट इसमें से जाके क्या इसमें ऐसे आएगी, करंट ऐसे गई तो कैसे जाएगी बताओ, कैसे जाएगा, देखो आ रही कि नहीं, जो ऊपर ऊपर वाले, फिर देखो तो ऐसे भी कर सकते, कोई बात नहीं, ये देखिए और यहां से करंट जा रही, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, वैसे वैसे जा रही, एक में फॉलो करो तुम्हें सब पता चल जाएगा, करंट यहां गई पीछे पीछे जाके फिर ऐसे आई, फिर ऐसे ही तो हर एक में ऐसे ही तो चलेगी, अब जरा इस पर है वही चीज, एक सर्कुलर लूप नहीं है, अगर तुम 10 बना लोगे तो 10 गुना करंट हो गई, अब जरा इस पे देखो हाथ में, तो तुम्हारी तरफ करंट जो तुम्हारी रैपिंग है यही तो सर्कुलर लूप है, तो नाउ इफ दिस इज, ये क्या है बताइए, रैपिंग, तो नॉर्थ किधर हुआ, एक ही पे पकड़ लो, बात समझ में आ रही कि नहीं, जिधर रैपिंग है देन दैट इज नॉर्थ, ओके, और दूसरी तरीके से तुमको बता रहे, देखो ऐसा डायग्राम बनाओ, अगर तुम वैसा ना बना सको तो ये बताओ, ये तो बना लोगे, एक वायर ऐसे और बहुत सारे वायर ऐसे, ठीक है, अभी ऊपर वाला वायर क्लियरली दिख रहा है, और जो ये सबसे लास्ट वाला उसे कैसे कर दो, इधर आए, ठीक है, ये चीज आसान, अब इसमें कैसे कर दें, ओके नाउ अब इसे देखो कि इसमें करंट ऐसे गई, तो करंट ऐसे जाएगी तो कैसे जाएगी बोलो, ऐसे जा रही, अगर तुम किसी कुछ ना करो, ये पेन लो, इस पे तार ऐसे ऐसे मोड़ के डाल दो, इंसुलेटेड होना चाहिए, वार्निश होनी चाहिए, ये नहीं कि तार टच हो तो सीधी करंट फ्लो जाए, करंट आसान रास्ता चुनती है, उस पे वार्निश चढ़ा दो, घूम घूम के जाए, पेंट चढ़ा दो, तो ऐसे चढ़ाने के, इफ क्लोजली वाउंड कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर सम आयरन पीस, इसके ऊपर अगर आयरन लगा दिया तो मैग्नेटिक पावर 1000 गुना बढ़ जाएगी, और नहीं लगाया, जैसे हमारे में अंदर नहीं था ना आयरन, उसमें से झूल रहा था, तो उसकी जितनी मैग्नेटिज्म है उससे 1000 गुना बढ़ सकती है, इफ इट्स इट इन साइड मीडियम इज आयरन, तो ऐसा किया जाता है, जो बाजारों में सोलेनोइड मिल रहे हैं चाहे यू शेप या किस, उसको किस में इन्होंने लगाया, ये सब आयरन पीस में लिपटे हुए, इसमें लिपटा हुआ है, आयरन पीस में लिपटा हुआ है कि नहीं, इससे इसकी पावर बढ़ गई, सोलेनोइड क्या बताइए, दैट इज कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड, ठीक है, क्लोजली वाउंड अराउंड सम बार इज कॉल्ड सोलेनोइड, when current is fed through it then it behaves as a magnet, फिर से समझो कैसे magnet का behave करेगा, ये ऊपर की चीज है, तो
तो तुम समझो अंदर ही तुमने बाहर पकड़ ली, ऊपर ऊपर देखो करंट कैसी, अपने यहां तक करंट पकड़ के जो ऊपर यहां दिख रहा है वही तो ये है। अगर ऊपर ये तो नॉर्थ किधर हुआ, सही है। बस एक पेन पकड़ के देख लो, जैसे इसमें तुम्हारी फिंगर की नेल किधर आ रही है तो नॉर्थ हो जाए। सो दिस दिस एज ए, ये क्या हो गया बताइए, दिस इज नाउ नॉर्थ। ऐसे करके भी देख सकते हो कि अपना थंब बना लो और फिर बहुत सारी फिंगर ऐसे ऐसे हैं और उसी में वायर पकड़ लो, देन यू ऑल्सो कैन। तो इससे पता चल रहा है कि ये नॉर्थ है, जबकि तुमने इसे क्या माना करंट। यदि फिंगर इस बार करंट है, मैक्सवेल का कन्वर्स है, फिंगर यदि करंट हो जाए तो थंब क्या हो जाए बताइए। अब जरा देखिए ये चीज है, ये देखो ये तो तुम्हें मालूम है ना, ये करंट तो ये नॉर्थ, इतना तो तुम जानते हो। तो अब मुझे बताओ ये नॉर्थ है, ये जो करंट है करंट क्लॉकवाइज है उत्कर्ष के एंटी क्लॉकवाइज, सही कह रहे हो। तो अब इसी को जरा देखो, मान लीजिए एक सर्कुलर है और उसमें करंट कैसी है, मैं इसमें देख रहा हूं ये देखो, तो अलग अलग तरीके से इसमें मैं नॉर्थ किधर मानू, इधर नॉर्थ, और ये क्या है बोलो, दिस इज साउथ। ओके, तो अगर यहां से देखोगे तो यहां से देखने पर तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो चल रही है क्या ये घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई है इफ द करंट इज क्लॉकवाइज इफ व्यू फ्रॉम इधर। अब जरा इधर देखो ये क्या है, दिस इज एस, इसे एस बना दो, ये देखो एस कैसे बनता है, ऐसे बनता है और एस के एंड पे एरो बना लो, बोलो ये क्या चीज कह रहा है, ये क्या तुमको लगता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो घड़ी चलती है, दो के बाद तीन ही तो बजाती है, तो ये कौन सा एंड है, सो एस तुम्हें दिखने से ही लग जाएगा जो एस है, और इधर इधर की ओर कैसा होगा, ऐसे बना लो। नाउ एन कैसे बनता है बताओ, दैट इज एन के बनने का तरीका बताओ, ऐसे बनता है कि नहीं, और एन कैसा होता है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस जिधर से तुम्हें एस दिखे तो वहां तुम क्या कहोगे, देखो इफ व्यूड फ्रॉम आइदर एंड, सबसे पहले तुम सॉलिनॉइड को ही परिभाषित करो, सॉलिनॉइड क्या होता है, इफ चलो इसमें तुमने एक वायर ले लिया, ओके तो अब ये देखिए, इफ देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे वायर ले लो, मल्टीपल वाउंड वायर्स इन ए सर्कुलर फॉर्म, एक एक दो फॉर्म नहीं लो, कितने तरीके से बताइए, मल्टीपल वाउंड वायर इन सर्कुलर फॉर्म, देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर वायर इंक्रीजेस, वो बनती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब मैं कह रहा हूं इसे बी से प्रदर्शित हो, तो बी किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ राउंड्स। मान लो तुम इसकी जगह 50 राउंड ले लो, एक नहीं वो ले रहा था कि नहीं, अभी तुमने एक डायग्राम में देखा था 50 बार लपेट रहा था, तुम भी एक बार मत लपेटो, एक बार लो फिर और बार लो फिर और ऐसे लेते जाओ, और इसके तुम कितने लूप बना लो, 50। कभी तुम गए होगे पापा के साथ मोटर बनवाने तो वो पूछते हैं पापा, अच्छा 50 बार लपेटोगे तो कितना पैसा लोगे, फिर वो कहेगा इतना पैसा लेंगे, 100 का कितना लोगे, वो चाहते हैं कि स्ट्रांग मोटर बन जाए, पानी तुरंत ऊपर चढ़े, तो तुम लोग गए होगे तो उन्होंने देखा होगा बार्गेनिंग करते हैं। तो इसका मतलब है फील्ड कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ अगर तुमने राउंड्स बढ़ा दिए, रैप करता रहता है कि नहीं इलेक्ट्रिशियन, तुमने देखा होगा किसी न किसी में बहुत बार रैप होता है, और किसी बी को क्या कहते हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो मन क्या ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और किसके प्रोपोर्शनल होगी बोलो, एरिया। तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एन आई ए,
अगर तुमने लूप बड़ा कर लिया तो उससे क्या होगा अमन, फील्ड बढ़ेगी कि उतनी ही रहेगी? ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से उत्कर्ष ने बताया इसलिए फील्ड बढ़ेगी। बड़ी बात है ये, देखो इन्होंने यहां से पकड़ लिया, तेज बच्चे ससेप्टिबल होते हैं चीजों के। करंट बढ़ाई तो बढ़ी, अगर करंट डबल कर दी और नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो बताओ फील्ड कितने गुना बढ़ जाएगी? करंट भी डबल कर दी और टर्न्स भी डबल, हैं? चार गुना। एरिया डबल कर दिया तो फिर आठ गुना। बात समझ आ गई? इन तीनों पे डिपेंड करता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट फ्लोइंग इन सिंगल सेगमेंट सिंगल वायर, एंड ए इज द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। तीनों चीज समझ में आई? एन क्या है देखो, इस चीज को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये एन आई ए, बी किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, आगे कभी जरूरत पड़ेगी, अभी टेंथ में तो नहीं है, लेकिन निकोला टेस्ला के नाम पे की गई। दैट इज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट फ्लोइंग इन लूप, और बोलो ए क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला, यूनिट ऑफ इज टेस्ला, या तो टेस्ला ऐसे लिखो या टी लिखो, ठीक है? और वैसे ऐसा यूनिट में क्या लगती है त्रिशु, टेस्ला ना लिखा जाए? तुम सोचने लग गई, बोलो दीपा। इतनी देर बोल रहा था, तुम दिमाग लगाने लग गई क्या? दिमाग नहीं लगा रहा, एम्पियर मीटर स्क्वायर बोलना था। अब जरा देखो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि दैट इज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, पोल्स या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर। ये सर्कुलर है, सर्कुलर में ये तुम ऐसा सर्कल है तो ये समझो ये बहुत सारी फील्ड हैं, ये पीछा थोड़ी छोड़ेगी, वो तो चाहे घूमता जाएगा तो घूमती नहीं जाएगी। मैंने तो तुमको एक कार्डबोर्ड दिखाया था, यहाँ ऐसे ऐसे नहीं होगी, वो तो चक्कर चक्कर चलेगी चारों तरफ, एक ही थोड़ी ना होगी। रूल तो वही है, तार सीधा कर लो तो सीधी और घुमा लो तो घूम घूम के वही है, बात की नहीं? तो इसलिए है तो ऐसी, इट इज लाइक दिस। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप। इस क्वेश्चन को लिखो, राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, किस पे किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, यही फार्मूला, ये एक पेट क्वेश्चन है बोर्ड, एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट, ठीक है? तो ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, अब देखो देखो आज आपकी क्लास मुझे रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कोर्स कहीं पीछे छूट जाएगा। कितने बजे आ जाओ? ये छूट जाएगा एग्जाम के पहले, पजल होने से अच्छा नहीं, अभी हम सेफर जोन में है ना, कर लेते हैं। इसमें अपने आप अपने लिख पाओगे, मुझे समझाना ही पड़ेगा ये चैप्टर, इन्वायरमेंट तो कर भी लोगे, ठीक है? छह बजे आ जाएगा। सो ऑन वॉट फैक्टर डज इट डिपेंड, क्या लिखोगे सर्कुलर को? तो दैट इज इफ
इट इज व्यूड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, व्यू द सर्कुलर क्वाइल फ्रॉम वन साइड। ये देखो ये एक सर्कुलर क्वाइल है, इसको एक तरफ से देखो ये क्वाइल। अगर मान लीजिए आपने इसे एक तरफ से देखा, यहां से देखो, अगर तुमको क्वाइल को देखते समय क्या लग रहा है, ये पीछे वाली है, कुछ समझो बस तुमने ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया। अगर तुमने बोलो वहां से देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंड तुम बस यही याद रखो, मतलब क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट इज क्लॉकवाइज, इसको देखो वायर को, तुम ऐसे देखो कहीं से भी देखो पूरा घुमा। इफ द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट एंड इज साउथ, इतना ही याद रखना है बस, लिखो। उधर से देखो तो जो चीज तुमको यहां से कैसी लग रही है ये देखो इस पेज पे, तो मैंने इस पेज पे ऐसे बना लिया है ये देखो। तो अब यहां पर बनाने में ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो जब इधर से तुम देखोगे तो तुम्हें यहां से क्या लग रहा है बताओ, साउथ। अगर पलट के देखोगे, मैं यही दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ से देखोगे जो दूसरी तरफ पीछे वाला देख रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा, वो नॉर्थ। तुम देखो तुम्हें कैसा लग रहा है यहां से देखो मेरे, तो कैसा है आप देखो कैसा लग रहा है, तो आपकी तरफ नॉर्थ, वही पेपर करंट तो वही है ना, देखो करंट ऐसे चल रही, तो आपके लिए क्लॉक वाइज है लेकिन आपके लिए सही है कि नहीं, जो इधर तो लिखे ऑन व्हाट फैक्टर सी, कहां से तुम्हें देखना है बोलो, सी द वायर सर्कुलर वायर अलोंग इट्स एक्सिस, उसके मध्य से एक अक्ष जाता है, सर्कुलर वायर है उसकी एक्सिस तो तुम समझते हो मिडिल से जाएगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ, तो लिखो ऑब्जर्व सर्कुलर करंट कैरिंग वायर along axis of wire, मैं लिख दे रहा हूं जिससे तुमको ये पता नहीं, इसी को axis कहते हैं, axis of wire। If direction of current कैसी हो, if direction of करंट अंकुर, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज तो क्या बोलोगे, देन दैट एंड इज, देन दैट एंड इज साउथ पोल। बस तुम अपने हाथ को समझो, यहां एक एरो बना लेना ऐसे, ये बना लिया एरो, इसी से तुम देख लेना, जब ये तुम्हारा फील्ड है तो अगर इसे फील्ड माना तो ये करंट, जब ये करंट तो ये फील्ड, दोनों एक ही हाथ से हो जा रहा है पूरे चैप्टर में, यही हाथ से ही सब कुछ हो जा रहा है, जब ये करंट तो ये फील्ड, जब ये करंट तो ये फील्ड, जब ये करंट तो ये, सही है। अब देखो देन दैट एंड इज साउथ पोल, ठीक है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट इज नॉर्थ पोल। इफ direction and other end is north pole and vice versa, बस इतना लिख लो, and other end is north pole and vice versa। ये तो मैंने आपको बता दिया। On what factor does it depend? B is equals to n i a। Further मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एन आई ए, इफ सम, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ सब्सटेंस, इफ सम मीडियम इज इंसर्टेड, इसके बीच में रॉड रख दो, इट इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड टाइम्स, बहुत गुना बढ़ जाएगी नहीं। चलो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि सॉलिनॉइड से हम क्या समझते हैं। चलो वॉट डज इट मीन बाई सॉलिनॉइड, चलिए
is if insulated copper wire या conducting wire कुछ भी आप लगा दो इसके चारों तरफ. Now देखो चीज को. इस चीज को मैं थोड़ा सा और बता दूं, अगर तुमको करंट ऐसी जाती हुई लग रही है तो तुम ऐसे एस बना लो, इतना तो तुमको मालूम पड़ रहा है, सही है? तुमको दिखने में तुम्हें ना समझ में आए, कह दो सर हमें क्लॉकवाइज नहीं, हमें समझ में आता आजकल डिजिटल वॉच आ गई, हमें क्या मालूम क्लॉक कैसे चलती है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं. हमको क्या मालूम सर घड़ी, हम तो डिजिट में देखते हैं. तो एस तो बनाना जानते हो, सही है कि नहीं? तो जो एस की जो करंट की रिएक्शन अगर वही एस हो जाए, और अगर ऐसे चल रही करंट तो तुम ये देखो उल्टी चल रही है तो ऐसे, सही? कितना भी सोचा नहीं, आराम से बन जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही है नहीं, बना लो ऐसा. चल सॉलिनॉइड a long coin, if a long coin consisting of, उसमें क्या होगा, consisting of a large number of closed turns. Of insulated copper wire. Is called solenoid. चलो what is solenoid? इसकी दूसरी definition लिखने, वैसे तो ये ठीक है, अच्छी definition है कि बहुत लंबी coil हो having insulated copper turns, a long coil, कैसी coil हो, जैसे कल दिखाया था, long coil consisting of a large number of turns of insulated copper wire, it is called solenoid. Now अब देखो, if insulated copper wire, insulated copper wire is closely wound, अगर उस ऐसे कर दिया जाए, wound around some rod, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि rod iron हो, तुम प्लास्टिक में ही बांध लो. अब हमारे में इन्होंने क्या किया है, दो सॉलिनॉइड है, प्लास्टिक ही ले लिया, ये पूरा वायर खुल गया है, बट ये देखो ये वायर है और ये प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक पे तुम बांध लो तो भी तो सोलिनॉइड, इसका एक एंड यहां से निकाल लिया, हाँ कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है, इसके ऊपर आप सीथिंग देख सकती हो, सीथिंग का मतलब प्लास्टिक की कोटिंग, पीवीसी की कोटिंग. अब इसको मैं ऐसे इस पे बांध दूं तो क्या सोलिनॉइड बन गया, और इसके बनने के बाद ये तुम्हें कल मैं दिखाऊंगा, मैग्नेट भी है, जैसे बैटरी से कनेक्ट करूंगा सब पैनल चिपका लेगा, मैग्नेट हो जाएगा. तो मैंने ऐसे इसके चारों तरफ बांधना शुरू कर दिया, नहीं यही है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं बताओ, ये ऐसे मैं बांध रहा हूं तो ये क्या बन गया बताओ, दूसरा एंड दोनों ऊपर से सेल से कनेक्ट करूंगा, ये मैग्नेट ही लगी है, ओके सही है. ये देखो, सो क्लोजली रैप, इसको पास करते जाओ, बीच में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लीक ना हो, तो ये क्या बन गया बताओ, दिस इज सॉलिड, तो सही बात की नहीं, यही है सॉलिड. इसके दो एंड को बस हम सेल से लगा देंगे, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो, बस बाहर मैग्नेट है,
एक एंड इसका नॉर्थ हो जाएगा और एक एंड क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर तुम एक आयरन पीस रख दो तो इसका मैग्नेटिज्म 1000 गुना बढ़ जाए, सही है? हाँ चलो नाउ इस चीज को लिखें, इफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये देखो अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर तुमने ऐसे इसमें लगा दिया तो ये क्या हो गया, इट इज वाउंड अराउंड सम रॉड, कुछ रॉड हो प्लास्टिक रॉड को, देन इट इज कॉल्ड सोलेनोइड, इफ करंट इज फेड, इसमें करंट फेड करो, इज फेड इन सोलेनोइड, इट बिहेव्स एज, कोई बताना नहीं, इट बिहेव्स एज, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट अदरवाइज बार मैग्नेट की तरह, ये काम, इफ करंट इज फेड इन सोलेनोइड इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, एक ऐसा काम करेगा। अब ये बार मैग्नेट है, तुम इसमें चाहे तो प्लास्टिक भी लगा सकते हो, और प्लास्टिक लगाने के बाद इसको एक धागे से तान दो तो बोलो ये सोलेनोइड क्या करेगा, इफ इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, इफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, प्लास्टिक का तभी बस धागे से लटका दो, इफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फील्ड लाइंस अराउंड सोलेनोइड कैसी हो जाएंगी, इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, तुम अपनी बुक में देख सकते हो क्या तुम्हारे बुक में सोलेनोइड के चारों तरफ फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, सो ये चीज है, इफ सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, कैसा सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट तो बहनी ही चाहिए, करंट कैरिंग सोलेनोइड is freely suspended, suspended, अंकुर आगे बोलो, it तुम्हारे हिस्से में बस उतारना ही आ रहा है, हाँ मैं बोलो उत्कर्ष, it stays, ये कैसे ठहरेगा, इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये देखो मैंने सोलेनोइड बना दिया, तो जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है बस आपको ज्यादा नहीं देखना है, ये जो ऊपर की चीज है ये ऊपर वाली चीज है, तुम्हारी उधर ही नेल कर लो, ऐसे नेल करो क्योंकि ऊपर की चीज है ना जो ऊपर दिखाया जा रहा है, तो वो है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसमें पांच लाइन ड्रॉ करो, एक दो तीन चार पांच, अब ये देखो करंट इधर आती हुई तो निगेटिव होगा ना, और जाती हुई से क्या होगा पॉजिटिव, बोलो अभी से समझ में आई बात, तो इसको यहां पर एक ऐसे बना लो, दैट इज एक सिमिट्री के साथ बनाना, और ये ऐसे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, जितने सुंदर तुम हो उतना सुंदर फिगर होना चाहिए, दैट इज इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओके इतना लिखो, so this is the magnetic field in solenoid, it behaves as electromagnet, ye ek electromagnet ya vidyut chumbak kyon hai, it is called electromagnet, north se nikalti south se jati hui magnet, as when current is fed through it, then it only behaves as, जब current flow कराओगे तभी ये magnet है, और no current, then it is simply copper wire, ठीक है, as if
करंट इज फेड थ्रू इट, इट बिहेव्स एज अब देखो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन इट्स पोलैरिटी चेंजेस. इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इज रिवर्स, रिवर्स कर दो देन इट्स पोलैरिटी is reverse. अब देखिए the magnetic field strength of solenoid किन तीन बातों पर depend करेगी. That is ये अच्छा बता रहे हैं magnetic field strength around आप बताइए बहुत अच्छा बताया तुम लोगों ने, क्योंकि ये सभी जगह यही आया है जो उत्कर्ष ने बताया है ना. इन सब चीजों को समझो. यहाँ स्मॉल एन क्यों है, क्यों? क्योंकि ये अपने पापा के साथ वाइंडिंग के लिए गए जहाँ फैन की वाइंडिंग हो रही. कि तुम जब इस पे वायर बांधना तो एक बटर पेपर लगा देना और फिर से वायर बांधना और फिर से बटर पेपर, ऐसा करता है फैन वाला. क्या करता है, एक बार टर्न लगाने के बाद बटर पेपर लगा के फिर से लगाता है. वो पर मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना चाहता है, ये नहीं कि सीधे सीधे नहीं करना चाहता है. वहीं फिर वहीं एक मीटर में कितने टर्न, एक मीटर में 500 भी रख सकते हो, डबल कर है? ऐसा मान लीजिए कभी हीटअप हो जाए, उसका इंसुलेशन चला जाए तो एक टर्न से सीधा दूसरे में ही चला जाएगा. वो करंट घूमना थोड़ी ना चाहती, हम घुमा रहे हैं उसको तो सीधा रास्ता मिले. तो तुमको वो बताया था कि जैसे रियोस्टेट घुमा घुमा के चल रहे हैं, क्योंकि है रजिस्टर लेकिन इंसुलेट करके रखा है, नहीं तो सीधे ही निकल जाए. ये चीज है कि नहीं. अब ये देखो नॉर्मल बर्गर भी खा सकती हो, बटर वाला, दोनों में फर्क है. अब ये म्यू का क्या मतलब है कि इसके द मीडियम इनसाइड सॉलिनॉइड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ठीक है कि नहीं. म्यू का क्या मतलब है यहाँ पर, परमिएबिलिटी, अदरवाइज द मीडियम इनसाइड सॉलिनॉइड. इसको कहेंगे म्यू, म्यू से पढ़ेंगे, ग्रीक वर्ड है. अब इसको क्या बोलेंगे, मीडियम इनसाइड सॉलिनॉइड. अर्चिता एन का क्या मतलब है, ये तो नहीं, आप बोलो. सुनती कम है ना, बोलो दिव्या. और कोई आप बताओ, करंट का नंबर ठीक बता रहे, थोड़ा और बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स ये बताओ. हाँ तुम शुरू से ही बता रहे थे, तुमने शुरू में कहता था बी मुन्नी, मुन्नी हो जाओ. हर चीज इन्हीं को पता है, इनको फार्मूला ही पता था तो क्यों नहीं पता. उन्होंने बताया एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर या पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ से नंबर ऑफ टर्न्स. और आई क्या है, इट इज द करंट इन सॉलिनॉइड. देखो आई करंट इन, इसे इसको नोट करो, इतना ही रखिए अभी के लिए.